एक बच्चे की दुनिया तीन लोग हैं, एक बच्चे की दुनिया केवल तीन लोग हैं, माता पिता और शिक्षक। दोस्तों जिस दिन एक बच्चे का इन तीन लोगों से विश्वास उठ जाता है उस दिन पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। ये तीन लोग उसके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो एक परिवार केवल खाने पीने का केंद्र नहीं है, सही अर्थों में उन ऊंचाइयों के साथ आपस में जीने का केंद्र है। देखो किन्हीं बच्चों को यह उत्साहित करना पड़ा कि तुमको बहुत पैसा कमाना है, ऐसा बच्चों को उत्साहित करना पड़ता है कि तुमको बहुत पैसा कमाना है। हर बच्चा बहुत पैसा कमाने के लिए उत्साहित ही है, जितना आपने सोच रखा उससे ज्यादा। इसका मतलब है जिस चीज को हम परिवार में जी रहे हैं वो उसमें कम्युनिकेट हो गया, जिस चीज को हम परिवार में जी रहे हैं वो उसमें कम्युनिकेट हो गया। क्या कम्युनिकेट नहीं हुआ? संबंध महत्वपूर्ण है कि साधन महत्वपूर्ण है? संबंध महत्वपूर्ण है। यदि संबंध महत्वपूर्ण है, हमारा संबंध तो दिवाली के दिन तय हो जाता है कि डब्बे का भार किसका कितना होगा। तो दोस्तों दिवाली में डब्बे के वजन से पता चलता है कि हमारी जिंदगी में कौन कितना महत्वपूर्ण है, हमारी जिंदगी में कौन महत्वपूर्ण है। जो मेरे को धन और पद दिलाने में सहायक है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि बच्चे को यह समझ में आ गया है रोज रोज देख के, तो वो क्या चीज के लिए कोशिश करेगा? वो संबंध के लिए कोशिश करेगा कि साधन के लिए कोशिश करेगा? एक छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है वो तो माँ को ढूंढता है, पर प्रॉब्लम ये हुई है कि उसकी अपनी माँ में भी टीचर की आत्मा आ गई है। वो भी पूछती है होमवर्क किया कि नहीं किया। बच्चा चारों तरफ से घिरा हुआ है, घर में जाता है होमवर्क, स्कूल में जाता है होमवर्क, तो उसके बाद ट्यूशन में जाता है होमवर्क। इसका अर्थ ये हुआ हमने भी संबंध को महत्वपूर्ण माना है कि साधन को महत्वपूर्ण माना है। संबंध हम चाहते हैं, महत्व तो साधन को दिया है। मार्क्स कितने आए और मार्क्स किस बात के लिए है? मार्क्स किस बात के लिए है कि पैसा कितना मिलेगा? तो इसका अर्थ ये निकला कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में भी संबंध कम इंपॉर्टेंट है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा सारा फोकस पैसे पे चला गया।